एक ऐसा आलू पराठा जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो अभी वेयर इन द क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ टीनगर और यहाँ पे ऐसा वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ आलू पराठा, मतलब शॉप का नाम है गांधी जी हॉट चिप्स एंड स्वीट्स और वहाँ भैया बना रहे हैं। तो है आज भैया, तो इस आटे से बनता है, मतलब दिस इज प्लेन आटा और पानी और ऊपर सनफ्लावर ऑयल है, फिर ये है हमारी जो आलू की फिलिंग आएगी और इसी आटे से ना मीठा भी बनता है, मतलब ये दाल की फिलिंग है और वो जैगरी और कोकोनट की फिलिंग बनती है और मतलब इतना ज़्यादा तेल है उस आटे में, बाप रे, मतलब तेल तैर रहा है ऊपर। पर ठीक है, मतलब भैया ये बोल रहे थे कि वो तेल की ज़रूरत होती है क्योंकि नहीं तो वो हर जगह चिपक जाते हैं और कुकिंग के टाइम थोड़ा सा भी और तेल नहीं यूज़ होता, तो काफ़ी एफिशिएंट और अच्छा प्रोसेस है। और यहाँ पे बनाना लीफ में बनाया जा रहा है, मतलब ये इन्होंने आटा ले लिया, फिर आलू की फिलिंग, और देख रहे हो कैसे एक हाथ से पलट रहे हैं। मतलब सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी कि इस पराठे में गाजर भी आ रही है, और मतलब वैसे मुझे गाजर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बाय द वे, डू यू गाइस लाइक गाजर, मुझे ये बताओ। ठीक है, अब इसको पलट दिया गया है और आप लोगों को पता है कुछ टाइम बाद इस दुकान पे इतनी भीड़ हो गई थी और इतने लोग यहाँ पे आके पार्सल कर रहे थे, मतलब 10-10, 15-15 लोगों को इतना अच्छा लगता है। और उस वजह से हम भी गाड़ी में आ गए क्योंकि एक तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है चेन्नई में, अगर आप कभी चेन्नई आए हो ना तो आपको पता होगा गर्मी हद से ज़्यादा होती है। आलू पराठा बहुत गर्म है, अभी भी धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, एंड जो नीचे वाला है ना दैट इज़ मीठी फिलिंग वाला, दाल की मीठी फिलिंग है ये, तो कैसे खाया जाए इतना गर्म। मम्मी बहुत गर्म है, बट द ओनली थिंग इज इसके अंदर कड़ी पत्ता क्यों है। ठीक है, तो इस आलू पराठा के अंदर मटर भी है, गाजर भी है, कड़ी पत्ते भी हैं और ऊपर पेपर भी डाला था फोल्ड करने से पहले, और चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ओ दैट इज सो गुड, मज़ा आ गया। आई फील लाइक दिस इज यहाँ के लोगों का कम्फर्ट फूड बिकॉज इट्स सो गुड। और हम गाड़ी में इसलिए भी आ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, एंड वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगने लगी, बहुत भीड़ हो गई, सो वी केम, बट दिस इज वर्थ अ ट्राई। दिस इज कॉल्ड पोली, मतलब स्वीट पोली, और कारा पोली होता है, मतलब कारा मतलब स्पाइसी। तो आलू वाले को साइड करते हैं एंड लेट्स ट्राई द दाल फिलिंग से भी करा, लेट्स ट्राई आउट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा ना तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इस वीडियो का शाउट आउट अलीना अली को जाता है। ओके, आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। सी यू लेटर एलिगेटर।